सभी को नमस्ते। हम लोग मंथली मीटिंग्स में समाज की व्यवस्था पर चर्चा करते रहे हैं। इसी क्रम में हमने पहले मानव लक्ष्य को समझने का काम किया था। उसके बाद हम लोग मानव लक्ष्य की पूर्ति के लिए समाज के जो भिन्न भिन्न आयाम है उन पर क्रमशः चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में हमने शिक्षा संस्कार पर बात की, स्वास्थ्य संयम पर बात किया, उत्पादन कार्य पर बात किया, विनिमय कोष पर बात किया, पिछली बार न्याय पर बात किया था, और अभी सुरक्षा पर बात करने वाले हैं। तो समाज व्यवस्था के लिए अपने को दिखता है कि यानी मानव लक्ष्य की पूर्ति के लिए इन आयामों की अनिवार्यता है। अगर इन पे हम काम नहीं करते हैं तो समाज व्यवस्था सुनिश्चित करना कठिन सा हो जाता है। तो आज हम इसमें समाज में सुरक्षा व्यवस्था के आयाम पर ही चर्चा करेंगे। सुरक्षा शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो कई बार हमारे अंदर जो एक विचार उठता है, जो भाव उठता है, वो इस तरह का होता है जैसे हमें कोई डिफेंस मैकेनिज्म, कोई मिलिट्री या इस तरह की चीज़ों पे काम करना होगा। परंतु सुरक्षा को अगर बहुत ठीक से देखें तो सुरक्षा शेष प्रकृति से जुड़ा हुआ है। मानव के साथ जो हमारा जीना है वो न्याय का पक्ष है, शेष प्रकृति के साथ जो हमारा जीना है ये सुरक्षा का पक्ष है। तो हम लोग जब सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो मानव शेष प्रकृति संबंध में निर्वाह कैसे हो इस पर बात करने वाले हैं। मानव संबंध में निर्वाह कैसे हो इस पर हमने पिछली बार बात किया था। तो मानव लक्ष्य को देखें तो ये चार चीजें दिखाई देती हैं। हर व्यक्ति में राइट अंडरस्टैंडिंग राइट फीलिंग यानी समाधान हो, हर परिवार में समृद्धि हो यानी प्रॉस्पेरिटी हो, समाज में अभय यानी विश्वास का भाव हो, और पूरी प्रकृति में परस्पर पूरकता के साथ जीना हो। इसको ही पूरा करने जब जाते हैं तो दिखता है कि इसमें पहली वरीयता शिक्षा संस्कार की है। शिक्षा से ही हमारे अंदर समझ सुनिश्चित होता है, जिससे हम परिवार की आवश्यकता को ठीक ठीक पहचान पाते हैं, उसको ठीक ठीक पूरा कर पाते हैं, जिससे परिवार में समृद्धि का भाव होता है। और जब परिवार में समृद्धि का भाव होता है, व्यक्ति में समाधान होता है, तो समाज में सहज रूप से एक अभय का वातावरण होता है। मानव मानव के साथ ठीक से जी पाता है, निश्चित आचरण से जी पाता है। और जब मानव आपस में ठीक से जी पाते हैं तो शेष प्रकृति के साथ भी हम सही निर्वाह कर पाते हैं। तो ये एक क्रम दिखाई देता है। इसी को पूरा करने जाते हैं तो समाज में कुछ सिस्टम्स की, कुछ आयामों की डायमेंशन जरूर दिखाई देती है। तो शिक्षा पे हमने बात किया था, शिक्षा का अर्थ है समझना, संस्कार का अर्थ है समझ कर जीना। तो अभी भी हम देखें तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है मूल्य शिक्षा पे जो काम कर रहे हैं वो तो शिक्षा का एक काम है। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि शिक्षा पे जो हम ठीक से बात करते हैं तो ये समाज के अन्य आयामों से भी जुड़ता है। तो हम सभी इस प्रोसेस में हैं। हम अभी एक वयस्क होने के बाद ऐसी प्रस्तावना हमको मिल रही है जिसको हम समझ रहे हैं और उसको हम जीने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु प्रयास ये है कि बच्चों को बचपन से ही ये पूरी बात समझने को मिले, उनको अपने सामने शिक्षक ऐसा जीते हुए मिले, उनको ऐसे माँ पिता सामने जीते हुए मिले, ताकि उनके अंदर सही संस्कार बचपन से जाए। मानवीय परंपरा के क्रम में ये एक बहुत ही मौलिक आधारभूत प्रयास है जो हर समाज को करने की जरूरत होती है, या समाज में अनिवार्य रूप से करने की जरूरत होती है अगर वैसा कहें। वैसे स्वास्थ्य संयम का आयाम है तो शरीर के साथ हमारा जीना ठीक हो, हम शरीर में स्वास्थ्य को सुनिश्चित कर पाएं और मेरे अंदर संयम का भाव हो, शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव हो, इसके लिए सिस्टम कैसे बनेंगे इस पर उन्होंने बात किया था पिछली बार। वैसे उत्पादन कार्य, तो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनका उत्पादन किस प्रकार से हो और उसके लिए जो हमें कार्य करना है वो किस प्रकार से हो, इस पर भी चर्चा हुई है। न्याय पे बात हुई थी, तो मानव मानव संबंध में न्याय यानी कि जो मानव मानव संबंध में भाव है जो सहज रूप से स्वीकृत हैं उनको समझ पाना, उसको पूरा कर पाना और एक सिस्टम के रूप में उसको ले जाना, ताकि ऐसा निर्वाह हर संबंध में हो पाए। उसी क्रम में उन्होंने विनिमय कोष पर भी बात किया था और अब हम लोग सुरक्षा बात करने वाले हैं। तो सुरक्षा का मतलब है मानव शेष प्रकृति संबंध में संबंध की पहचान ठीक हो जाए, निर्वाह ठीक हो जाए, मूल्यांकन ठीक हो जाए और उभय समृद्धि हो पाए। तो मानव शेष प्रकृति संबंध को जब समझने जाते हैं तो ये दिखता है कि पूरी प्रकृति में दो तरह की इकाइयां हैं, जड़ है और चैतन्य है। शरीर एक जड़ इकाई है, मैं एक चैतन्य इकाई हूँ। और जब तक इस चैतन्यता की समझ हमें नहीं होती तो जो जड़ इकाइयां हैं उनको भी हम ठीक से समझ नहीं पाते। तो मानव शेष प्रकृति संबंध को समझने के लिए, उसमें संबंध की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि चैतन्य की समझ हो। चैतन्य की समझ होती है तो जड़ की भी समझ होती है और फिर हम सम्यक आकलन कर पाते हैं।
जड़ का जड़ के रूप में, चैतन्य का चैतन्य के रूप में, ऐसा कर पाते हैं तो मेरा निर्वाह ठीक होता है। फिर मैं इसका मूल्यांकन करता हूँ, ये निर्वाह ठीक हुआ कि नहीं, और फिर दिखता है कि इसमें उभय समृद्धि हुई कि नहीं। तो उभय समृद्धि की अगर बात करें तो इसमें दो भाग होंगे, एक तो मानव में समृद्धि, यानी मेरे शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उसको मैं ठीक ठीक पूरा कर पा रहा हूँ, और इस क्रम में जो शेष प्रकृति है उसकी सुरक्षा हो रही है। सुरक्षा में तीन बातें जुड़ती हैं, संवर्धन, संरक्षण और सदुपयोग। संवर्धन मतलब जितना है उससे अधिक हो जाना, संरक्षण है मतलब जितना है उतने का बने रहना, और सदुपयोग का अर्थ है उसका सही लक्ष्य के अर्थ में प्रयोग होना। तो संवर्धन, संरक्षण, सदुपयोग, इन तीनों शब्दों को मिला के बना है सुरक्षा। अंग्रेजी में कहें तो एनरिचमेंट, प्रोटेक्शन और राइट यूटिलाइजेशन, और इन तीनों को साथ लेके चलें तो प्रिजर्वेशन। ये बात ठीक है कहना, इसको लेकर कोई प्रश्न हो तो बताइए। सुरक्षा के बारे में ऐसा डेफिनेशन ठीक है। अभी आमतौर पर जब सुरक्षा शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम उसे जो विचार भी करते हैं, मानव मानव संबंध भी करते हैं कि मानव की मानव से सुरक्षा होनी है, जो दो देशों के बीच में सुरक्षा के लिए हमको इंतजाम करने पड़ेंगे, हमें अपने परिवार के सदस्यों के लिए सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ेंगे, तभी हमारा जो सुरक्षा के बारे में विचार भी होता है वो कई बार मानव मानव संबंध में जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर होता है। परंतु ये पक्ष सुरक्षा का नहीं है, ये पक्ष तो न्याय का है। अगर मानव मानव संबंध में न्याय हो तो भय ही नहीं होगा, और अगर भय नहीं होगा तो अभी हमें जो भय के साथ विचार करना पड़ता है उसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। तो शेष प्रकृति के साथ निर्वाह करते हुए ये तीनों ही बातें जुड़ती हैं कि शेष प्रकृति में संवर्धन हो, संरक्षण हो, सदुपयोग हो। इसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। क्या लगता है, ये आवश्यक है कि नहीं, शेष प्रकृति की सुरक्षा आवश्यक है कि नहीं, क्या लगता है? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जी विनय जी कह रहे हैं हाँ आवश्यक है, प्रसन्ना जी कह रहे हैं कि आवश्यक है। इस क्रम में क्या आवश्यक है, उसके लिए क्या कार्यक्रम बनता है, क्या सिस्टम बनता है, इसको हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। तो प्रॉस्पेरिटी को समझे, इस पर पहले भी बात हुई है, तो आवश्यक सुविधा से अधिक की उपलब्धि या उत्पादन का भाव, इसको पहले तय करना इसे जरूरी है, क्योंकि जो शेष प्रकृति के साथ संबंध में पहचान की जो चूक होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हम समृद्धि को ठीक से नहीं पहचानते। अगर हम अपनी आवश्यकता को ठीक से ना पहचाने तो हम प्रकृति का दोहन शुरू कर देते हैं, प्रकृति का क्षरण शुरू कर देते हैं। इसलिए प्रकृति के साथ हमें जीना है, और प्रकृति के साथ जीते हुए जो हम अभी कार्यक्रम बना रहे हैं उसका एक प्रमुख भाग होता है कि हम अपनी सुविधा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बनाते हैं। तो सुविधा की आवश्यकता की पहचान ही अगर ठीक नहीं है तो जो भी हम कार्यक्रम बनाएंगे उसमें चूक होगी। इसलिए समृद्धि को पहले तय करना जरूरी है, समृद्धि को समझना जरूरी है, और समृद्धि को समझने जाते हैं तो दिखता है कि सुविधा की आवश्यकता सीमित है ना, इस पर पहले भी बात हुई है। सुविधा की जो आवश्यकता है शरीर के लिए है, और शरीर के जो सुविधा की आवश्यकता है वो तीन ही परिपथ से है, तीन ही प्रयोजनों से है। एक तो शरीर का पोषण ठीक हो, दूसरा संरक्षण ठीक हो, और तीसरा सदुपयोग हो। ये भी दिखता है कि शरीर के पोषण के लिए जो सुविधा की आवश्यकता है वो सीमित है कि नहीं, शरीर के संरक्षण के लिए जो सुविधा की आवश्यकता है वो भी सीमित है, और शरीर के सदुपयोग के लिए सुविधा की आवश्यकता है वो भी सीमित है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें सुविधा की आवश्यकता की सीमा ठीक ठीक समझ में आती है। जैसे अगर मैं आपसे ही पूछूं, है ना, इस सत्र में हम जितने लोग शामिल हैं, कि क्या लगता है ये जब से हमने अपने अंदर ये एक्सप्लोरेशन शुरू किया है तो हम शरीर के पोषण के अर्थ में सुविधा को पहले से ज्यादा अच्छे ढंग से पहचान पा रहे हैं या नहीं, शरीर के पोषण के अर्थ में सुविधा की आवश्यकता को पहले से ज्यादा अच्छे ढंग से पहचान पा रहे हैं या नहीं, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सभी साथी कह रहे हैं कि हाँ पहचान पा रहे हैं। पहले अगर हम सुविधा के बारे में सोचते थे तो ऐसा बहुत स्पष्ट नहीं होता था कि सुविधा का प्रयोजन क्या है, सुविधा का आकलन कैसे होगा, सुविधा की सीमा कैसे तय करेंगे, क्योंकि सुविधा का प्रयोजन स्पष्ट नहीं था। जब मैं और शरीर का सहअस्तित्व तो समझ में आता है तो दिखाई देता है कि जो सुविधा की आवश्यकता और शरीर के लिए है और तीन ही पर्पज से, और ये इतना जितना हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उतना हम ठीक ठीक अपने चयन में, अपने सिलेक्शन में उनको
प्लेस कर पाते हैं कि ये सुविधा मेरे लिए आवश्यक है, ये सुविधा मेरे लिए आवश्यक नहीं है, इतना आवश्यक है, इससे अधिक आवश्यक नहीं है। उस सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक हो जाए और उससे अधिक उपलब्धि हो जाए, उत्पादन हो जाए। और जब उत्पादन करने जाते हैं तो हम शेष प्रकृति के साथ इंटरेक्ट करते हैं, है ना, मिट्टी, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, धातु अधातु, इन सब के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो एक तो सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक हो सही मात्रा के साथ, ये एक मुद्दा है। दूसरा, उससे अधिक की उपलब्धि और उत्पादन का भाव हो हमारे अंदर, और इसके लिए हमें सही हुनर सीखना होता है। तो आवश्यकता की पहचान के लिए आवश्यक है सही समझ, उपलब्ध करने के लिए आवश्यक सही हुनर। और ये भी अपने को दिखता है कि जब हमारे अंदर समृद्धि का भाव होता है तो हम उसके सदुपयोग का सोचते हैं, सुविधा के सदुपयोग का सोचते हैं, दूसरे का पोषण करने की सोचते हैं। जब दरिद्रता का भाव होता है तो संग्रह की सोचते हैं, इसलिए सोचते हैं क्योंकि पता ही नहीं है कितनी आवश्यकता है, उसकी सीमा निश्चित नहीं हो पाती, तो संग्रह करने की सोचते हैं। और संग्रह करने के लिए दूसरों का शोषण करने की सोचते हैं, प्रकृति का शोषण करने की सोचते हैं। तो ये भी हमको दिखाई देगा कि जैसे जैसे हमारे अंदर समृद्धि का भाव बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे अंदर सदुपयोग का भाव बढ़ता है, पोषण करने का भाव बढ़ता है। ये भी दिखाई देगा आपको अपने शरीर का ध्यान से कि शरीर के लिए जितनी सुविधा की आवश्यकता है उससे अधिक उत्पादन कर पाने में शरीर सक्षम है ना। ये भी दिखता है कि शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी श्रम की आवश्यकता है और श्रम पूर्वक ही उत्पादन हो पाता है। तो हमारे पूरे जीने के कार्यक्रम में एक परिमार्जन दिखाई देता है इस स्पष्टता के साथ, ये एक भाग है। दूसरा भाग है कि प्रकृति की सुरक्षा हो पाती है, प्रिजर्वेशन हो पाता है, और इसमें तीन बातें हैं, संवर्धन, संरक्षण और सदुपयोग। तो संवर्धन मतलब बढ़ना, वर्धन, वर्ना है ना, पहले जितना उससे ज्यादा हो जाना। संरक्षण है मतलब जितना है उतना बने रहना, और सदुपयोग का मतलब है उसका सही प्रयोजन से प्रयोग होना। तो उदाहरण ले, अगर जैसे हमारे पास 1 क्विंटल गेहूं है, हमने उस 1 क्विंटल गेहूं को खेत में डाल दिया, 1 क्विंटल से वो 100 क्विंटल बन गया ना, ये संवर्धन हुआ, बढ़ गया, मात्रा बढ़ गई। जो 100 क्विंटल गेहूं तैयार हुआ उसको हमने बचा कर रखा ताकि वो बारिश में सरे नहीं, है ना, कीड़े मकोड़े ना खा जाए, खराब ना हो जाए, भोजन करने योग्य बना रहे, ये संरक्षण हुआ। और हमने उसको खाया ना कि उसको फड़ा के हमने शराब बना दिया, ये उसका सदुपयोग हुआ। अब अगर इन तीनों को देखें, संवर्धन, संरक्षण, सदुपयोग, तो आपको दिखाई देगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका हमको संवर्धन करने की आवश्यकता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमको सिर्फ संरक्षण करने की आवश्यकता है, और सदुपयोग तो है ना हर एक ही करने की आवश्यकता है। जैसे हम भोजन लेते हैं तो भोजन में हमको जो भी चीजें पैदा करनी है उनका संवर्धन करना आवश्यक है, परंतु हवा, पानी, मिट्टी, ये सब उपलब्ध है, ठीक है ना, इसका सिर्फ संरक्षण करने की आवश्यकता है ताकि हमारे प्रयोग के लिए बना रहे, परंतु सदुपयोग तो इन सबका करना बनता है। तो अगर इन तीनों में प्रायोरिटाइज किया जाए, इसमें ज्यादा फंडामेंटल क्या है, ज्यादा मौलिक क्या है, क्या लगता है, क्या कहेंगे, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। इनमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, संवर्धन की, संरक्षण की या सदुपयोग की, पहली वरीयता किसकी होगी, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। डॉक्टर रंजन ने हैंड रेज किया जी, बहुत सुंदर, पहली वरीयता सदुपयोग की है जी, वाली। जी तीसरी वाली, अच्छा 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 ठीक है ठीक है, सदुपयोग की, ठीक बात है। तो प्रकृति के सदुपयोग की वरीयता पहली है, अगर हमारे अंदर सदुपयोग की समझ है तभी हम संवर्धन भी ठीक से कर पाते हैं, संरक्षण भी ठीक से कर पाते हैं। तो हम लोग पहले सदुपयोग का अध्ययन करेंगे। अब सदुपयोग करने जाते हैं तो तीन तरह के संसाधन दिखाई देते हैं, धन, तन और मन। धन मतलब सुविधा, तन मतलब शरीर, और मन मतलब मैं। ये तीन ही संसाधन है कि नहीं, तीन ही असेट्स हैं, इनका सदुपयोग कैसे हो। तो जैसे अगर हम सुविधा के सदुपयोग की बात करें, धन के सदुपयोग की बात करें, तो दिखता है कि धन का सदुपयोग किस अर्थ में, यानी सुविधा का सदुपयोग किस अर्थ में, तो एक तो शरीर के पोषण एवं संरक्षण के अर्थ में है। तो शरीर के लिए सुविधा की आवश्यकता है पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में।
इसी अर्थ में हम सुविधा का सदुपयोग कर पाते हैं। और दूसरा समाज में भागीदारी के अर्थ में, तो मैं अपने शरीर का पोषण करता हूँ, संरक्षण करता हूँ और एक स्वस्थ शरीर के साथ समाज में भागीदारी करता हूँ। तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर या मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। अब ये सब सुविधाएं हैं, इसका हम प्रयोग कहाँ कर रहे हैं अगर हम देखें तो समाज में व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में, शिक्षा के अर्थ में। तो ये समाज में भागीदारी के अर्थ में हो रहा है। हम सब ने नाश्ता किया है, थोड़ी देर बाद लंच करेंगे, शरीर के पोषण के अर्थ में हमने सदुपयोग किया है उसका। और अभी हम इस ठंड के मौसम में कमरे में बैठे हैं, धूप निकल गई है तो अपने को बचा कर कमरे में बैठे हैं, ये शरीर के संरक्षण के अर्थ में। ये है ना, अगर इसको भी देखें तो दिखेगा आपको शरीर के पोषण के अर्थ में जैसी बात हुई, सुविधा की आवश्यकता सीमित है, संरक्षण के अर्थ में सुविधा की आवश्यकता सीमित है। जब समाज में भागीदारी करने जाते हैं तो ये संबंध से जुड़ता है, तो दिखता है कि ये समाज में भागीदारी के अर्थ में सारी सुविधा का उत्पादन मैं ही करूँ ना, ये आवश्यक नहीं है। इनफैक्ट पोषण संरक्षण के अर्थ में भी आवश्यक नहीं है, परंतु समाज में भागीदारी के अर्थ में जब सीमा को तय करने जाते हैं तो दिखता है कि ये संबंध पूर्वक ही तय होता है। पोषण के अर्थ में सुविधा की आवश्यकता की सीमा सहज रूप से तय हो जाती है, संरक्षण के अर्थ में सहज रूप से तय हो जाती है, भागीदारी जब करने जाते हैं तो ये संबंध पूर्वक ही तय होता है। तो एक बात यह है निश्चित अपने आप में। दूसरा आपने को दिखाई देगा कि सुविधा का सदुपयोग जब करने जाते हैं तो उसमें जो हमारे पास शेष है, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति इस बात के लिए सक्षम है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकता है, तो हम उसका वितरण करते हैं समाज की व्यवस्था करते हैं। और ये जो वितरण है ये इस रूप में है कि अगर कोई व्यक्ति उत्पादन करने में समर्थ नहीं है, ठीक है ना, उसके सदुपयोग के लिए उपलब्ध हो जाए। और अगर समाज में वितरण का भाव हो कि हर परिवार आवश्यकता से उत्पादन कर पाए, शेष का वितरण कर पाए, तो बहुत ही सहज रूप से हर व्यक्ति के शरीर के पोषण संरक्षण की व्यवस्था बनी रहती है, तो शेष का वितरण हो पाए, ये सुविधा का सदुपयोग है, है ना जी। इतने को लेकर कोई प्रश्न हो तो बताइए, बात ठीक है इतनी जी। रंजन जी, एक क्वेश्चन था जिसमें आपने पूछा था सदुपयोग, तो उसमें सर मन को कैसे मतलब कोरिलेट करेंगे? आता हूँ मैं उस पर, है ना, मन को कैसे करेंगे उसको भी आते हैं। अश्विनी कुमार जी, नमस्ते। ये वैयक्तिक उत्पादन के बारे में थोड़ा सा बताइए, हर किसी के संभव में तो है नहीं वो। क्या चीज? वैयक्तिक आदमी हर कोई उत्पादन नहीं कर सकता है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। हाँ, जैसे एक छोटा शिशु है वो अपने लिए उत्पादन नहीं कर सकता, कोई वृद्ध व्यक्ति है वो उत्पादन नहीं कर सकता, कोई रोगी है वो उत्पादन नहीं कर सकता, या ऐसा हो सकता है कभी किसी प्राकृतिक कारण से कहीं पे कोई ऐसी घटना हो गई कि व्यक्ति उत्पादन करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी हम सहयोग करते हैं। हम सुविधा उनको उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके अंदर श्रम की प्रवृत्ति को भी सुनिश्चित करते हैं, और जब तक वो श्रमपूर्वक उत्पादन न कर पाए तब तक उनको हम उपलब्ध कराते हैं। ये बात स्पष्ट हुई अश्विन जी? लेकिन वो श्रम करने के लायक ही अगर नहीं है तो उसके स्थिति में हम क्या करें? वही तो देखिए ना, तो समाज की जो नींव है वो परिवार है, परिवार परिवार मिलकर समाज बनता है। कोई अगर ऐसा व्यक्ति भी होता है तो किसी परिवार का हिस्सेदार होगा, किसी परिवार का हिस्सा होगा, वो तो परिवार मिलकर उसका केयर करेगा। तो परिवार में ऐसा होता है कि कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो उत्पादन करने में समर्थ होते हैं, कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो उत्पादन करने में समर्थ नहीं होते। तो नवजात शिशु है वो नहीं होता, कोई वृद्ध व्यक्ति है वो नहीं होता, कोई रोगी व्यक्ति है वो नहीं होता। तो परिवार में संबंध के भाव के साथ हम उनका शरीर का पोषण संरक्षण करते हैं, और परिवार में जो व्यक्ति उत्पादन नहीं भी कर सकता उसकी भी एक भागीदारी होती है जो उस पूरे परिवार की व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोगी होता है। तो जो व्यक्ति उत्पादन नहीं कर सकता उसके लिए भी हम व्यवस्था करते हैं संबंध के भाव के साथ, यहाँ पे परिवार का एक मेजर रोल है। ये ठीक है, बात पहुंची आपको जी? ठीक है। हाँ, रंजन जी कुछ कह रहे हैं सर। इसी संबंध में मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक हमारा बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जयपुर में, SKIT
वहां पे जो उनके ओनर थे, ऐसे जो बुजुर्ग लोग थे जो श्रम नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपना वहां का जो गार्डन था खोल दिया था। तो सुबह शाम वो आते थे बुजुर्ग, वॉक करते थे, तो बच्चों को उनसे ये वॉक करने से उनको प्रेरणा मिलती थी। वो जो एनवायरमेंट था वो पॉजिटिव होता था कि इतने ओल्ड एज में भी आके ये इतना श्रम करते हैं, मतलब उस तरीके की कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे हैं सोसाइटी को, लेकिन उनका जो मूवमेंट होता था वो एक इंस्पिरेशन होता था यंग जनरेशन को। वो पहली बार मैंने देखा था। धन्यवाद सर जी। बढ़िया, तो हर व्यक्ति की भागीदारी है। जैसे अगर हम घर में भी देखें, कोई छोटा बच्चा है, उत्पादन तो नहीं कर सकता परंतु संरक्षण तो कर सकता है, तो हम संरक्षण के लिए उसको हम स्किल डेवलप कर सकते हैं, संरक्षण की हम उसमें समझ विकसित कर सकते हैं। तो परिवार में जो भी असेट्स हैं हमारे पास, कपड़ा है, खाने की वस्तुएं हैं, या आसपास पेड़ पौधे हैं, मकान है, इन सब के संरक्षण में बच्चे की भागीदारी हो सकती है, बुजुर्ग की भागीदारी हो सकती है, एक दूसरे के शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भागीदारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है जी। प्रसन्ना जी। हाँ सर, तो मुझे एक थोड़ा सा ऐसी शंका थी, संवर्धन और संरक्षण जो है उस देखेंगे कि संवर्धन जो संरक्षण करना तो प्रायोरिटी है, लेकिन संवर्धन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। वही तो, कुछ चीजों का संवर्धन करना जरूरी है, कुछ चीजों का संवर्धन करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भोजन हमको चाहिए, ठीक है, यदि हमको पोषण करना चाहिए तो हमको उसका संवर्धन करना होता है। बराबर, एक घंटे सर बोलना होते हैं, चलेगा सर, दूसरा फोन है। थैंक यू सर जी। पर जैसे कुछ चीजें हैं उसका संरक्षण मात्र करना, गाड़ी तो बगा गाड़ी तो हाँ, आवाज कुछ मिक्स हो रही थी। तो कुछ चीजों का हमें संरक्षण मात्र करना है, जल का संरक्षण करना है, मिट्टी का संरक्षण करना है, वायु का संरक्षण करना है ना, इनका संरक्षण भर करना है। तो भोजन अगर ले रहे हैं तो उसका उत्पादन करना है, उसमें संवर्धन करना है। और उत्पादन और संवर्धन में भी उसको दो तरह से देखने की जरूरत है कि एक तो उत्पादन ऐसी वस्तु जैसे कंप्यूटर का उत्पादन कर रहे हैं, है ना, अब ये प्रकृति की व्यवस्था के लिए अनिवार्य नहीं है, परंतु यदि हम पेड़ लगा रहे हैं तो ये प्रकृति की व्यवस्था के लिए अनिवार्य है। तो जैसे उत्पादन हमने अगर कंप्यूटर का किया है, गैजेट्स का किया है, साधनों का किया है, तो ये हमारे आपस के संबंध के निर्वाह के लिए, एक दूसरे के विकास के लिए सहायक हो सकता है, हमारे शरीर के सदुपयोग के लिए सहायक हो सकता है। परंतु ये जो शेष प्रकृति में भी उत्पादन करना है अपने को, यानी जो संवर्धन करना है, उससे थोड़ा सा अलग है। जैसे हम पेड़ लगाते हैं, अगर पेड़ कम हो गए हैं तो, है ना, तो ये भी एक संवर्धन है। तो संवर्धन उत्पादन से एक बड़ा कार्यक्रम है, संवर्धन का एक छोटा भाग हुआ उत्पादन। बढ़िया, इससे आगे चलते हैं, सुविधा के सदुपयोग उन्होंने बात की जी। थैंक्स रहते हैं। अगर शरीर के सदुपयोग की बात करें तो शरीर मेरा साधन, यह हमें दिखता है, ये भी दिखता है कि मानव के होने में मैं केंद्र में है, शरीर साधन के रूप में है। तो शरीर का सदुपयोग क्या हुआ, तो स्वयं में अध्ययन हो पाए, स्वयं का विकास हो पाए, जो जागृति की बात है, तो ब्लॉक B1 की एक्टिविटीज जागृत हो पाए, यानी जो जानने का आयाम है, ज्ञान का आयाम है, वहाँ क्रियाएं जागृत हो पाए। तो शरीर का सदुपयोग इस अर्थ में, क्योंकि अपने को दिखता है पूरे प्रकृति के अध्ययन से कि जो विकास होना है वो तो चैतन्य इकाई में होना है, और मानव में चैतन्य इकाई के विकास का मतलब हुआ कि जो ज्ञान का आयाम है वो क्रियाएं जागृत हो जाए, और उसके लिए जो करने काम है कि शरीर का हम इस रूप में सदुपयोग करें कि स्वयं का हम अध्ययन कर पाए, प्रकृति का अध्ययन कर पाए, समग्र अस्तित्व का अध्ययन कर पाए, जिससे स्वयं का विकास होता है। उसके साथ ही देखें तो परिवार में हम जीते हैं, समाज में जीते हैं, उसमें हमारे बहुत सारे कर्तव्य एवं दायित्व होते हैं, उनके निर्वाह के अर्थ में भी है। जैसे घर में शिशु है, शिशु का हम पोषण करते हैं, है ना, उसका ध्यान रखते हैं, कोई रोगी है उनका हम ध्यान रखते हैं, कोई वृद्ध व्यक्ति है उनका हम ध्यान रखते हैं, तो परिवार में हमारे बहुत सारे कर्तव्य दायित्व हैं। साथ ही दैनिक कार्यक्रम में हमारे, है ना, भोजन बनाते हैं, एक दूसरे के स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, तो परिवार में हमारे बहुत सारे कर्तव्य एवं दायित्व होते हैं, समाज में बहुत सारे कर्तव्य एवं दायित्व होते हैं, सब में शरीर एक साधन के रूप में काम करता है। और
ये जो सुविधा का उत्पादन करना है उसमें भी शरीर एक साधन के रूप में काम करता है। तो प्राइमरीली देखें तो शरीर का सदुपयोग कहाँ है, मैं के विकास में। उसी अर्थ में देखें तो हम परिवार समाज में कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वाह करते हैं और उसके लिए शरीर को बनाए रखने के लिए हम उत्पादन करते हैं, उस उत्पादन में भी शरीर का सदुपयोग है। तो शरीर का अगर सदुपयोग देखने जाए तो इन अर्थ में दिखाई देता है ना। प्राइमरीली देखें तो मैं के विकास के लिए, जैसे अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं है ना, इसमें मैं अपने शरीर का प्रयोग कर रहा हूँ, आप अपने शरीर का प्रयोग कर रहे हैं, इस क्रम में क्या हो रहा है, स्वयं में अध्ययन हो रहा है, स्वयं के विकास के अर्थ में कार्यक्रम बन रहा है। और साथ ही हम जहाँ परिवार में रह रहे हैं वहाँ हम एक दूसरे का केयर करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, उसके लिए भी शरीर से हम संवाद करते हैं, वहाँ भी शरीर का रोल है। और हम कहीं ना कहीं उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वहाँ भी शरीर का एक रोल है। तो शरीर के लिए आवश्यक सुविधा का उत्पादन करना, संबंध का निर्वाह करना परिवार में समाज में, और इन सबको करते हुए स्वयं में अध्ययन करना स्वयं के विकास के लिए, ये शरीर का सदुपयोग हुआ। और यदि मैं के सदुपयोग की बात करें है ना, तो मैं के लिए मन शब्द भी लिखा था। तो बेसिकली देखें तो मन का मतलब हुआ जो हम एक अर्थ जो है उसका चयन और आस्वादन की क्रिया से जुड़ा है, और उसको फैला के देखें तो पूरी कल्पनाशीलता को मन के साथ जोड़कर कहा है। तो उसका अगर सदुपयोग देखें तो किस अर्थ में है कि हमारे अंदर सही समझ सही भाव हो जाए। तो शरीर का हम सदुपयोग करते हैं और जब उसका सदुपयोग करने जाते हैं तो शरीर को हम साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, और प्रयोग करने वाला कौन है, मैं। तो कल्पनाशीलता में जो कुछ चल रहा है उसके आधार पर हम शरीर का सदुपयोग करते हैं। और इस कल्पनाशीलता का सदुपयोग क्या हुआ, ब्लॉक B2 का सदुपयोग क्या हुआ कि ब्लॉक B1 एक्टिव हो जाए, तो हमारे अंदर सही समझ हो जाए, सही भाव हो जाए, सही विचार हो जाए। ब्लॉक B1 का मतलब जो ज्ञान का आयाम है, ब्लॉक B2 मतलब जो कल्पनाशीलता का आयाम। तो मेरे में जो कल्पनाशीलता चल रही है उसका सदुपयोग हुआ कि मेरे अंदर सही समझ हो जाए, सही भाव हो जाए, जिसके साथ सही विचार के आधार पर कल्पनाशीलता चले, जिसके आधार पर सही जीना हो जाए, ये मैं का सदुपयोग हुआ। और उसको फैला कर देखें तो मैं का सदुपयोग किस अर्थ में है कि हम अखंड समाज में भागीदार हो जाएं, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार हो जाएं, पीढ़ी दर पीढ़ी मानवीय परंपरा में भागीदार हो जाएं, ये मैं का सदुपयोग हुआ। अब अगर इसकी प्रायोरिटी को देखें तो दिखेगा कि इसमें पहली प्रायोरिटी तो मैं का सदुपयोग है, यानी ज्ञान को हम केंद्र में रखते हैं तब जाकर बाकी सब चीजें भी व्यवस्थित होती हैं। तो मैं का विकास के अर्थ में हम जब काम करने जाते हैं तो एक छोर पर हमें अनुभव की आवश्यकता दिखाई देती है, दूसरे छोर पे हमें फैल कर जीते हुए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था मानवीय परंपरा में भागीदारी की अनिवार्यता दिखाई देती है। तो अगर मन तन और धन इन तीनों में प्रायोरिटाइज करने जाए तो दिखेगा कि मन का सदुपयोग पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद तन का सदुपयोग, उसके बाद धन का सदुपयोग यानी सुविधा का सदुपयोग। तो धन का सदुपयोग तन और मन के अर्थ में, तन का सदुपयोग मन के अर्थ में है ना, और मन का सदुपयोग अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में। अगर हम इसको नहीं देख पाते हैं है ना, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे समझने में चूक है। और वो चूक कहाँ से शुरू होती है तो देखेंगे तो मैं के सदुपयोग को न समझने शुरू होती है, परंतु धीरे धीरे वो सुविधा के दुरुपयोग तक जाता है। और अभी हम देखें तो समाज में सुविधा का दुरुपयोग बहुत आया दिखाई देता है। जैसा भी बताते हैं कि धरती पे कुल जितनी आबादी है उसके लिए कुल जो भोजन की आवश्यकता है उसका 6 गुना उत्पादन हो रहा है ना, और फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं, तो एक भाग है। अगर अभी आप जो ट्रेंड्स देखें, अभी रिसर्च का जो ट्रेंड है, जिस तरह से विज्ञान और तकनीकी जिस तरह से आगे चल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जिस तरह से काम हो रहा है, तो अब ये बातें होने लगी हैं, इसको कई वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, अब उद्योगपति भी कहने लगे हैं कि ये जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है ये धीरे धीरे मानव समाज के लिए खतरा होने वाला है। तो अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किससे ज़्यादा प्रयोग करने जा रहे हैं, कुछ हद तक तो उसका सदुपयोग हो सकता है, परंतु अगर हम एक सीमा से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो वो फिर घातक हो जाता है परिवार के लिए भी समाज के लिए भी। तो अभी समाज में एक प्रचलित मान्यता बन गई है कि मानव का आचरण तो निश्चित नहीं हो सकता, तो मानव के आचरण को निश्चित बनाए रखने के लिए सब मशीनों की जरूरत है, और जितना मशीन कर पाता है उससे ज्यादा मनुष्य का आचरण अनिश्चित दिखाई देता है। तो मशीनों को और सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं, करते करते इसकी भी संभावना बताई जाती है कि इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगी कि मानव समाज के लिए खतरा हो जाएगा।
तो जाहिर सी बात है कि अगर हम ये ना देख पाए कि मानव समाज व्यवस्थित हो सकता है, मानव का आचरण निश्चित हो सकता है, मानव में ज्ञान सुनिश्चित हो सकता है, तो हम लॉट काफी सुविधाओं पर आश्रित हो जाते हैं और सुविधाओं को हम जितना भी सोफिस्टिकेट करते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उतना हमारे लिए भी खतरा बढ़ता है, समाज के लिए और प्रकृति के लिए तो बढ़ता ही है ना। ये भी दिखाई देता है कि अभी शरीर से मिलने वाली संवेदना से मिलने वाले जो क्षणिक सुख है उसके लिए, या दूसरों से अनुकूल भाव कर जो भाव पाकर जो मिलने वाला क्षणिक सुख है उसके लिए अभी हम बहुत सारा सुविधा लगा रहे हैं, उससे प्रकृति का दोहन हो रहा है, क्षरण हो रहा है ना, नुकसान हो रहा है प्रकृति में। तो ये सारी चीजें स्पष्ट होती हैं जब हम बारीकी से अध्ययन करने जाते हैं। हम एक तरफ कहते हैं कि भाई प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ी का जो एमिशन लेवल है उसको कम किया जाए ना, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्सेज, इनका एमिशन धीरे धीरे कम हो जाए। उसके साथ ही गाड़ियां हम इतनी बढ़ाते जाते हैं कि ओवरऑल प्रदूषण बढ़ जाता है। हम सोचते हैं कि किसी भी चीज को बनाने में जितनी सुविधा लग रही है उसको हम और ऑप्टिमाइज करें, कम कर दें, मिनिमाइज कर दें, परंतु ओवरऑल जो सुविधाएं प्रयोग करते हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इसलिए आज के दिन देखें तो धरती में खनिज की कमी होने लगी है, कोयला की कमी होने लगी है, तेल की कमी होने लगी है, और आगे वो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि अभी हम ऐसे प्रक्रियाओं को नहीं लेकर आ रहे, ऐसी विधियों को लेकर नहीं आ रहे जो आवर्तनशील हो, इसलिए सब समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। और इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें अभी सेल्फ की क्लैरिटी नहीं है, सेल्फ की क्लैरिटी नहीं होने से सेल्फ और बॉडी की कोएग्जिस्टेंस की क्लैरिटी नहीं है, इसलिए हमको सुविधा के सदुपयोग की क्लैरिटी नहीं है। तो किया क्या जाए, है ना, क्या कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति के स्तर पर क्या कर सकते हैं। अगर हम में से हर व्यक्ति देखे कि मैं एक व्यक्ति के स्तर पर क्या कर सकता हूँ, तो हमें सदुपयोग की समझ की जरूरत है, और इसके लिए जरूरत है कि हमें सदुपयोग, दुरुपयोग और उसको आके लेके जाए बहुभोग, अतिभोग, है ना, इन सब में अंतर समझना जरूरी होगा। तो सदुपयोग तो मानव लक्ष्य के अर्थ में ही समझ में आता है कि हर व्यक्ति में समाधान, हर परिवार में समृद्धि, समाज में अभय, प्रकृति में सहअस्तित्व, इसके लिए जो हमको करना है वो तो सदुपयोग हुआ। इसके अन्यथा कुछ भी कर रहे हैं वो दुरुपयोग हुआ, और अन्यथा बहुत ज्यादा कर रहे हैं ये बहुभोग अतिभोग में चला गया। अभी भी देखिए टूरिज्म है ना एक इंडस्ट्री के रूप में उभरा है, और अभी आप देखें तो पिछले दशक से एक स्पेस टूरिज्म स्टार्ट हुआ है। अब उस स्पेस टूरिज्म बताते हैं कि 20 मिनट की स्पेस में यात्रा के लिए लोग 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपये देने को तैयार है। उसमें जितना ईंधन खर्च हो रहा है, जितना उसमें मटेरियल लग रहा है, उन सबको अगर देखें तो धरती का दोहन हो रहा है। अल्टीमेटली जाकर हमने आकाश में ढेर सारा प्रदूषण वाला मटेरियल फैला दिया। अभी प्रदूषण सिर्फ धरती की सतह पे है, हमने जाकर उसे स्पेस में भी छोड़ दिया सिर्फ 20 मिनट के मनोरंजन के लिए। वो मनोरंजन भी क्यों चाहिए, क्योंकि मन रंजित नहीं है। मन रंजित क्यों नहीं है, मन प्रसन्न क्यों नहीं है, क्योंकि सही समझ का अभाव है, सही भाव का अभाव है। और इसमें अभी धीरे धीरे नए नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं, लोग अधिक से अधिक इस पे काम कर रहे हैं, और ऐसा एक नहीं, ऐसा अनेक उदाहरण है कि नहीं, है ना। तो सदुपयोग की समझ नहीं है तो दुरुपयोग कर रहे थे, और जितना जितना अभी तकनीकी सूचना बढ़ती जा रही है उतना बहुभोग अतिभोग में जा रहे हैं। ये सब तो अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें पूरे एक जीवन शैली पे काम करना होगा जो सदुपयोग पे आधारित हो। इसलिए कई बार बात होती है कि वैल्यू एजुकेशन से बात शुरू हुई है, उसे धीरे धीरे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में ले जाना है, फिर वैल्यू बेस्ड लिविंग में ले जाना है। तो अभी हमें व्यक्तिगत स्तर पर यह चीज देखने की जरूरत है कि अभी हम सुविधा का कितना सदुपयोग कर पा रहे, हमारी जो जीवन शैली है कितना सही समझ, सही भाव के आधार पर है ना। उस पर हम लोग एक असाइनमेंट भी अभी लेंगे। अभी आप देखें तो वर्ल्ड ओवर कौन सी इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही हैं, तो एक जो सबसे अधिक फ्लरिश कर रही है वो युद्ध के उपकरण बनाने वाली है ना। दूसरी जो इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है वो फार्मेसी की है, जिसमें ज्यादा प्रयोग जो हो रहा है कॉस्मेटिक्स के लिए हो रहा है ना, सौंदर्य जैसे प्रसाधनों को बनाने के लिए हो रहा है, ये दूसरी फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है। दवाओं का भी उत्पादन बढ़ रहा है क्योंकि लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, शरीर भी अस्वस्थ होता जा रहा है, और अभी देश भी अपने लक्ष्य ऐसे बना रहे हैं कि अगर उनको अपनी जीडीपी बढ़ानी है, अगर उनको देश की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो युद्ध में भागीदार होना होगा, युद्ध के उपकरण बनाने होंगे, और ये वर्ल्ड ओवर एक कॉम्पिटिशन जैसा हो गया है ना। अभी एक न्यूज आया था कि चाइना भी
2024 तक 700 एटॉमिक बम बनाने का लक्ष्य रख रहा है। ऐसा लगभग हर देश धीरे धीरे करते जा रहे हैं। अभी सारे संसाधन कहाँ से आ रहे हैं? इसी धरती से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ना, क्यों ऐसा किया जा रहा है? संबंध के अभाव में, समझ के अभाव में। तो हमें तो एक होलिस्टिक विजन की जरूरत है ना। तो अभी हम जो कर पा रहे हैं वो तो एक भाग है, परंतु इसके साथ हमें एक अपना एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव डेवलप करने की जरूरत है, ताकि हम समाज के हर आयाम में अपनी एक सही दृष्टि रख पाए। फिर देखने की बात है कि अभी हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं या हम कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं। कम से कम इतना तो हम देख पाए कि हम अभी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं नहीं। और ये व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर देखने की जरूरत है ना। और ये भी इससे समझ में आएगा कि हम समाज के लिए, परिवार के लिए असेट है या लाइबिलिटी है। मतलब हम एक उनके लिए मूल्यवान मनुष्य हैं या हम एक बोझ बन गए हैं। तो हम धरती के लिए एक बोझ बन गए हैं या धरती के लिए मूल्यवान, यानी हमारे धरती पे होने से धरती पहले से अधिक समृद्ध होती जा रही है, फलती फूलती जा रही है, या और छत विछत होती जा रही है। व्यक्ति के स्तर पे तो इतनी हमको अपने आप में मूल्यांकन करने की जरूरत है, समझ के लिए काम करने की जरूरत है। समाज के स्तर पे देखें तो हमें ऐसी संस्कृति और सभ्यता के विकास की जरूरत है जो सदुपयोग पर आधारित हो, जिसमें दुरुपयोग के प्रति एक दृष्टि विकसित हो कि ये गलत है, है ना, ये ठीक नहीं है। अभी क्या हुआ है, दुरुपयोग को हमने सम्मान का एक साधन मान लिया है या सम्मान का एक तरीका मान लिया है। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति, जो प्रचलित मान्यता बन गई है कि वो व्यक्ति ज्यादा समृद्ध है जो ज्यादा दुरुपयोग करता है सुविधाओं का, कि नहीं। तो माइंडसेट को बदलने की जरूरत है समाज के स्तर पर, ताकि बहुभोग अतिभोग से हम निकल कर आ पाए, दुरुपयोग से निकल कर आ पाए। तो सदुपयोग की मानसिकता को डेवलप करना है। ये हर पर्व पे, त्योहार पे, रिचुअल्स पे, शादी ब्याह पे, बच्चे के उत्सव पे, है ना, इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों पे कि हम ऐसा कर पा रहे हैं कि नहीं, हम सदुपयोग को प्रमोट कर रहे हैं, दुरुपयोग को प्रमोट कर रहे हैं। तो समाज का पूरा जो डिजाइन हो वो ऐसे में बनाना होगा कि वो सदुपयोग आधारित हो। हम मकान बना रहे हैं, सदुपयोग आधारित है कि नहीं? हम कपड़ा बना रहे हैं, सदुपयोग आधारित है कि नहीं? हम भोजन उत्पादन कर रहे हैं, सदुपयोग आधारित है कि नहीं? हम भोजन भी जो कर रहे हैं, अगर जैसे खेत से उगाई चीज को हम सीधा सीधा कंज्यूम करें, सीधा मतलब मिनिमम प्रोसेसिंग करके, तो ज्यादा सदुपयोग होगा। जितने लेवल ऑफ प्रोसेसिंग बढ़ाएंगे उतना उसका दुरुपयोग होगा। ये सब बातें स्वयं में आकलन करने के लिए है। फिर उसमें एक और बात है कि अभी जो सुविधाएं हैं उसका हम देखें कैसे हम उसका, यदि वो बिगड़ जाता है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसकी मरम्मत कर सकते हैं, ठीक है ना। हम जैसे स्टोरी ऑफ स्टफ वीडियो में दिखाते हैं कि दो तरह से ऑब्सोलेसेंस यानी चीजों का बेकार हो जाना अभी दिखाई देता है, एक तो प्लान्ड है, एक परसीव्ड है। कई बार ऐसी चीजें ही हम बनाते हैं जो बहुत जल्दी बिगड़ जाए या बिगड़ने के बाद रिपेयर ना हो पाए। तो चीजों को रिपेयर करना पहले एक समाज में एक अभ्यास के रूप में था, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हम जब उत्पादन भी कर रहे हैं तो ऐसी चीजों को उत्पादन करें जिसको रिपेयर करके आदमी दोबारा प्रयोग कर पाए। फिर हम उसी क्रम में देखें तो जो यूटिलिटीज हैं, मशीन्स हैं, उनका हम ऐसा उत्पादन कर पाए जिससे हम उसको मॉड्यूलर फॉर्म में प्रयोग कर पाए, यानी उसके हम यदि एक भाग बिगड़ गया तो उसको रिप्लेस कर पाए। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सेट ही हमें बदलना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर में अगर स्क्रीन मॉनिटर काम नहीं कर रहा, हम मॉनिटर का स्क्रीन काम नहीं कर, स्क्रीन को बदल सकते हैं हम, ठीक है। लैपटॉप प्रयोग करें, लैपटॉप में कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं काम कर रहा, उसको हम बदल पाए। ना कि ऐसा हो कि अगर एक भी पार्ट काम नहीं करे तो पूरे के पूरे सिस्टम को हमको थ्रो करना पड़े, हटाना पड़े। जैसे मोबाइल का डिजाइन ऐसी हो, मोबाइल में अगर कोई चीज काम नहीं करती तो ऐसा लगता है पूरे मोबाइल को बदलना पड़ेगा। तो कितना हम अधिक से अधिक मॉड्यूलर फॉर्म में डिजाइन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है देखने के लिए। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, प्रोडक्शन सिस्टम को भी देखना होगा। और किसी भी सुविधा का हम कितने तरीके से प्रयोग कर पाते हैं। इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि अभी करिकुलम में डिजाइन थिंकिंग जैसे कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ताकि हम इन सब मुद्दों पर ध्यान दे पाए। तो एक तरफ तो हम कई बार इसको इग्नोर करते हैं, बट दूसरी तरफ हमको जब आवश्यकता लगती है तो हम उसको एजुकेशन के थ्रू आगे बढ़ाने का भी सोचते हैं, कैसे हम किसी सुविधा का उपयोग बढ़ा पाए, वैल्यू एडिशन कर पाए। ये बहुत सारे इश्यूज हैं, इनपे इम्पैक्ट इलेबोरेट करने जाए तो आपको एजुकेशन में जिन जिन स्ट्रीम्स से हम लोग हैं उन स्ट्रीम्स में बहुत सारा स्कोप दिखाई देगा। इस पर कुछ रिसर्च भी हो रहे होंगे, परंतु कम से कम इसकी आवश्यकता तो सभी को महसूस हो रही है। तो अगर इस पूरी बात को
समराइज किया जाए तो इतनी बात निकल कर आती है कि सदुपयोग की आवश्यकता है और तीन तरह के संसाधन है मन तन और धन, और इन तीनों का सदुपयोग की जरूरत है। तो धन की बात करें तो धन का सदुपयोग यह है कि शरीर का पोषण संरक्षण ठीक से हो पाए, समाज में भागीदारी ठीक से हो पाए। तन का सदुपयोग यह है कि मैं के विकास में सहायक हो पाए, परिवार समाज में जो हमारे कर्तव्य हैं दायित्व हैं उनका निर्वाह हम ठीक से कर पाए, और उत्पादन में हम शरीर का प्रयोग ठीक से कर पाए। और मैं का सदुपयोग यह है कि हमारे अंदर ज्ञान सुनिश्चित हो पाए, सही समझ सही भाव सुनिश्चित हो पाए। और ये दिखाई देता है कि मन तन और धन यानी मैं शरीर और सुविधा इन तीनों में अगर प्रायोरिटाइज करने जाए तो मैं का प्रायोरिटी है ना, उसका सदुपयोग समझ में आता है तो शरीर और सुविधा का भी सदुपयोग समझ में आता है। और यदि हम सुविधा का भी सदुपयोग नहीं कर पा रहे तो इससे पता चलता है कि अभी हमने मैं और शरीर को भी ठीक से समझा नहीं है, उनका हम सदुपयोग तो नहीं कर पा रहे। तो इससे एक एक्सरसाइज निकल कर आता है, ये हम सबके लिए है कि अभी घर में जो हम सुविधाएं प्रयोग कर रहे हैं उसकी एक सूची बनाएं, और फिर ये देखें कि प्रत्येक सुविधा के लिए हम देख सकते हैं कि अभी इसका प्रयोग कैसे हो रहा है और इसके सदुपयोग की क्या संभावना है, ठीक है ना। तो जितनी भी तरह की सुविधाएं हैं उसको हम देखें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले एक प्रचलन में था, आज से एक पीढ़ी पहले ही था, कि अगर बड़े भाई के लिए कोई कपड़ा खरीदा गया और उसके शरीर के लिए छोटा हो गया छोटा भाई पहनेगा, उसके लिए भी छोटा हो गया तब तक वो थोड़ा बिगड़ने भी लगा, पहनने लायक नहीं रहा तो किचन में चला जाएगा, किचन में काम आएगा, किचन में भी अगर काम आने लायक नहीं रहा तो पोछा बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो हम एक ही सुविधा को कई बार सुनते भी ऐसा हो गया कि मॉल जाइए कपड़ा लाइए आउट ऑफ फैशन हो गया डिस्कार्ड कर दीजिए, तो क्या हम उसके सदुपयोग को बढ़ा सकते हैं ना। घर में लकड़ी का एक फर्नीचर है, अगर वो टूट गया है तो क्या हम उसको फेंक देंगे, या फिर हम उसमें एक पाया जोड़कर उसको वापस प्रयोग कर सकते हैं। कपड़ा में अगर हम देखें तो अगर चादर है, चादर अगर कहीं एक कोने से फट गया तो उसको सिलते हैं या उसको वापस फेंक ही देते हैं। तो सदुपयोग की क्या संभावनाएं बची रह गई हैं और अभी हम कितना सदुपयोग कर पा रहे हैं और कैसे हम सदुपयोग को बढ़ा सकते हैं, इस पे भी काम होने की जरूरत है। तो अभी तो आप पाएंगे कि एकेडमिक्स में भी इस पे थोड़ा सा ध्यान तो दिया जा रहा है सदुपयोग को बढ़ाने का, बट हम उस पे और अगर ध्यान देंगे तो हमें और तरीके निकलेंगे, जैसे मॉड्यूलर डिजाइंस अगर बना रहे हैं हम, या फिर बट होता यह है कि चूंकि मैं की समझ नहीं है सदुपयोग की समझ नहीं है, तो एक तरफ तो हम ये सब काम कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ हम को दुरुपयोग भी कर रहे होते हैं। ये सब ध्यान देने के मुद्दे हैं, दुरुपयोग को कैसे कम कर सकते हैं इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जी कुछ प्रश्न है, बहुत ही ब्रीफली लेते हैं, सुनीता रानी जी। जी तो ये एक्सरसाइज है, करने योग्य है ना, क्या लगता है इसे किया जा सकता है? सुनीता रानी जी, अश्विन कुमार जी, नमस्ते भैया, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरा सवाल ये था कि आजकल जो ट्रेड लोगों के इसमें वो चला है कि हमारे पास एक वस्तु है तो एक स्टैंड बाय के मोड पे दूसरी भी चाहिए, तो ये सेल्फ राइट यूटिलाइजेशन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के बारे में कितनी सार्थक होगी? देखिए अभी तो है ही ऐसा, क्योंकि जो आश्वस्ति का भाव है ना इतना कम होता जा रहा है और लोगों के अंदर जितना सुविधा संग्रह करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है उतना ही घबराहट भी बढ़ रही है कि अगर ये सुविधा नहीं होगी तो कैसे जीना होगा। जैसे हमारे यहाँ तो पहले था कि बिना बिजली के जीते थे, बिजली आ गई तो लोगों के अंदर एक भय हो गया कि बिना बिजली कैसे रहेंगे। तो स्टैंड बाय के लिए बहुत सारी चीजें हम लेकर आते हैं ना, पहले तो हम लोग साइकिल पे चलते थे पैदल चलते थे, अब लगता है कि कार से तो चलना ही पड़ेगा, और अगर एक कार खराब होगी तो दूसरे दिन कैसे जाएंगे, दूसरी कार भी चाहिए। तो ठीक बात है कि इन सब चीजों के लिए तो समझ की जरूरत है, अदरवाइज सुविधाओं की आवश्यकता जो है ना कभी निश्चित नहीं हो पाती। तो हर चीज में स्टैंड बाय को, जी तो इस स्टैंड बाय को अगर बायपास करता है तो हम अगर हाई एंड के अगर कुछ गैजेट्स या कुछ कार्स या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स अगर खरीदे और वो ज्यादा कॉस्टली हो जिसमें प्रकृति का भी दोहन हो रहा हो, तो ये कहाँ तक सार्थक होगा, कितना इसमें यूटिलाइजेशन होगा राइट तरीके से, इसके ऊपर आप कुछ बताए। हाँ तो नहीं करेंगे वैसा, जैसे प्रकृति का दोहन बढ़ रहा है वैसा क्यों करेंगे। देखिए अभी चूंकि हमको सुख के दो ही स्रोत लगते हैं ना, शरीर से मिलने वाली संवेदना या दूसरे से मिलने वाला भाव, इसलिए सुविधा का प्रयोग बहुत बढ़ गया है, दुरुपयोग भी बहुत बढ़ गया है। जब हमको सुख स्वभाव रूप में दिखाई देता है, यानी दिखता है कि सुख सही समय सही भाव से सुनिश्चित होता है, बाहर से मिलने वाले की संवेदना या भाव से नहीं, क्योंकि उसमें निरंतरता नहीं है, निश्चितता नहीं है और परतंत्रता है,
तब जाकर चीजें ठीक से हमारे जीने में आती है। जो सुबह का अभ्यास है उसमें इसीलिए बार बार इस बात पर ध्यान आकर्षण कराया जाता है, क्योंकि जब तक ये बात स्पष्ट नहीं है हम लौट लौट कर बाहर से कुछ सुख पाने जाते हैं और ये सब चीजें मल्टीप्लाई करती जाती हैं। तो सुख को स्वभाव के रूप में देख पाना ये तो मौलिक बात है। ये जब तक नहीं होता है तो बातें तो होती रहती हैं, शब्द पहुंचते रहते हैं, परंतु अर्थ के साथ जीना नहीं होता। जी ठीक है भैया। नहीं नहीं मैं स्टैंड बाय के बारे में कह रहा था कि उसको बाईपास अगर हमें करना है तो हम ज्यादा महंगे के ऊपर ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं, वो कहाँ तक फिजिबिलिटी है उसकी, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं वही मैंने कहा कि अब ये शिफ्ट क्यों हो जाते हैं, जैसे किस चीज़ का स्टैंड बाई, उदाहरण लीजिए तो बात हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक कार है अपने पास है ना, और कार कहीं खराब ना हो तो हम ज़्यादा महंगी कार ले आते हैं, ठीक, उसमें ज़्यादा पैसा लगाते हैं, बट हमारी मान्यता में तो बैठ ही गया ना कि बिना कार के हम चल नहीं सकते। तो हम टेम्पो से जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, जब तक इसकी स्वीकृति नहीं है तब तक तो उसकी कोई सीमा नहीं तय होगी। फिर तो कार में भी है ना, चलाते समय लगता है कि ड्राइवर कहीं गलती ना कर दे, तो हमको ड्राइवरलेस कार चाहिए अपने पर्सनल, ठीक। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, इस सड़क पे लोग नहीं चाहिए, फिर हमको लगता है कार नहीं हेलीकॉप्टर ही चाहिए, वो तो कभी तय नहीं हो पाएगा। जी ठीक बात है, समझ के ऊपर ही काम करना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब थोड़ा संवर्धन और संरक्षण पे बात करते हैं। तो ये दिखता है कि जो संसाधन है प्रकृति में है ना, उनको ठीक ठीक पहचाने की जरूरत है और उनका संवर्धन और संरक्षण करने की जरूरत है। सदुपयोग की तो हमने बात की। तो प्रकृति में जो संसाधन उसको देखें तो हवा है, पानी है, वन यानी जंगल है, जमीन है ना, खनिज है, मिनरल्स हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब प्रकृति में उपलब्ध हैं पहले से। और कोई भी हम उत्पादन कर रहे हैं तो हमें देखना कि कैसे इनका संवर्धन और संरक्षण हो। जब इनका दोहन हो जाता है तो हम जरूर सजग होते हैं, परंतु हमारे सोचने का जीने का ढंग ही ऐसा हो कि इनका संवर्धन और संरक्षण हो तो बहुत ही अच्छा। तो अगर देखें तो पारंपरिक रूप से बहुत सारे रीति रिवाज बनाए गए हैं, पर्व त्योहार बनाए गए हैं, जिसमें हम इनको संरक्षित करने के विचार करते हैं, संरक्षित करने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं, संवर्धित करने के लिए कार्यक्रम बनाते हैं। पारंपरिक रूप से देखें तो नदियों का कैसे संरक्षण हो, पेड़ों का कैसे संरक्षण हो, उसके लिए बहुत सारे पर्व त्योहार में है ना बहुत सारे कर्मकांड भी बना दिए गए ताकि कम से कम इसी कारण से लोग कर पाए। बट उसके लिए अगर मौलिक समझ हो जाए तो इन कर्मकांडों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सहज रूप से उसको कर पाएंगे। हमें देखना है कि क्या मेथड्स हो सकते हैं, प्रोसेस हो सकते हैं जिससे इनका संवर्धन संरक्षण हो सकता है, और इसके लिए हमें बहुत सारे आज की कम से कम मेटेरियल बहुत सारे उपलब्ध है ना। अच्छी बात यह है कि यूट्यूब पे, गूगल पे है ना, बहुत सारा इसमें प्रक्रियाओं के बारे में, प्रयोगों के बारे में, प्रयासों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। वो हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हमें ये सब चीज़ों को भी देखना चाहिए, और उससे हमको बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, सूचना मिलती है। कोई व्यक्ति है जिन्होंने कई स्क्वायर किलोमीटर में पेड़ लगा दिए, कई व्यक्ति है जिन्होंने नदी की सफाई कर दी। हम लोग पंजाब एक बार गए थे तो जहाँ तक ध्यान संत सिंचेवाल जी हैं, उन्होंने पूरी नदी की सफाई की। ऐसे साथी हैं उत्तराखंड में जो पेड़ लगा रहे हैं, लखनऊ में अपने एक मित्र हैं जिन्होंने लगभग 100,000 पेड़ लगा दिया है। तो ऐसे है ना लोगों को के बारे में जानकारी लेकर हमको प्रेरणा मिलती है। तो यदि हम प्रिजर्वेशन की बात करें तो उसमें दिखता है कि जो तीन अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था है, मानव के अलावा तीन अवस्थाएं हैं, इनकी ऊपर हमारी निर्भरता है और ये एसेंशियल है इनके अंदर संतुलन बनाए रखना, ताकि प्रकृति में संतुलन बना रहे, वातावरण में संतुलन बना रहे, ऋतु में संतुलन बना रहे, और ये सब हमारे लिए जरूरी है। इससे हमारी आवश्यकता पूरी होती है, शरीर की आवश्यकता पूरी होती है। जैसे बारिश है, बारिश संतुलित ढंग से हो, तापमान संतुलित हो ना, ये सब तभी हो पाता है जब हम मिट्टी, हवा, पानी का संरक्षण ठीक से करते हैं। ये भी दिखाई देता है कि जो पशु पक्षी हैं ये हमारे उत्पादन में सहायक होते हैं। जैसे ऐसा प्रयोग पूरा पाया गया है कि अगर आप कीड़े मकोड़ों को मार दें, पशु पक्षियों को मार दें, तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है उत्पादन का। जैसे चीन में एक प्रयोग हुआ माओ त्सेतुंग के समय कि कीड़ों को मारने की एक योजना बनाई गई, सरकार ने इनाम रख दिया कि
आप कीड़े मार के लाइए, पक्षी मार के लाइए और हम आपको इनाम देंगे। उसके एक साल बाद ही ऐसा अकाल पड़ा जिसमें करीब बताते हैं 1 करोड़ लोग खत्म हो गए, उनको भोजन नहीं मिला। तो ये क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पशु पक्षियों का रोल देखते हैं, कीट पतंगों का भी रोल देखते हैं। वैसे ही हमें देखना है कि ये जो रिसोर्सेज हैं नेचर में, ठीक है ना, जो या तो सीधे सीधे शामिल है या नहीं शामिल है, उनको हम कैसे संतुलित बनाए रखें ताकि पूरे धरती और धरती के ऊपर वातावरण संतुलित रहे। तो उसके लिए हमें भोजन, पानी, है ना, इन सब की व्यवस्था करनी होगी ताकि पशु पक्षियों को इनका अभाव न हो। जैसे आज के दिन स्थिति यह है कि अगर कोई गाय है, घूम रही है शहर में, उसको प्यास लग जाए तो पीने के लिए पानी नहीं है। पक्षी कई बार बिना पानी के मर जाते हैं, है ना, उनके लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं बने, इसकी बहुत जरूरत है। तो इन सब आयामों पर हम शहर में रहते हुए ध्यान दे सकते हैं। अब ब्रीफली अगर इन सारे संसाधनों पर बात करें तो दिखाई देता है कि जैसे जल संरक्षण, तो जल का संरक्षण कैसे हो, तो जो ग्राउंड वाटर है उसके लिए जरूरी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, यानी जो बारिश का पानी गिर रहा है वो धरती के अंदर पहुंचे। कई बार क्या होता है, बारिश का पानी गिरता है और बह जाता है। जैसे अभी देखिए कि इस तरह से हमने सिटीज की प्लानिंग की है, इस बारिश के मौसम में दिखाई दिया क्या स्थिति बन गई है, हैदराबाद में, बैंगलोर में, अहमदाबाद में जो स्थिति बनी, पानी ओवरफ्लो किया, लोग परेशान हुए कई कई दिनों तक। वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने पानी का संरक्षण ठीक से नहीं किया, इसलिए कि हमने जो सिटी का आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाया है प्रॉपर नहीं है, वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो रहा है कि नहीं। एक तरफ पानी सड़कों पे फैला हुआ है, दूसरी तरफ पीने के लिए धरती के अंदर पानी नहीं है। ऐसे शहर अब डिक्लेयर होने लगे हैं जहाँ ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो गया है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रॉपर व्यवस्था हो, पॉन्ड्स हम बना पाए ताकि रेन वाटर या ग्राउंड वाटर का रिचार्जिंग हो पाए। अभी देखिए तो गांव में भी ऐसा होने लगा कि अधिकतर तालाब कुएं पट गए हैं, है ना, तालाबों के ऊपर हमने मकान बना लिए हैं, कुओं को हमने पाट दिया है, उसके ऊपर हमने मकान बना लिए हैं। फिर दूसरी तरफ देखें तो जो फैक्ट्री का वेस्टेज है उसका डिस्पोजल प्रॉपरली हो पाए, मानव का जो एक्सक्रीटा है उसका डिस्पोजल प्रॉपरली हो पाए, और फिर ऐसे जो नॉन डिग्रेडेबल आइटम्स है जिनके डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा समय लगता है, प्लास्टिक, है ना, उसका वन टाइम यूज प्लास्टिक का हम कम से कम प्रयोग करें, कम से कम नदियों में या ऐसी जगहों पर हम डंपिंग तो ना करें। सड़क के किनारे में फेंक देते हैं, गाय खाती है, गाय के पेट में प्लास्टिक पाया जाता है। एक बार लखनऊ में एक साथ कई गायें मृत पाई गई और उनके पेट से 80-80 किलो तक का प्लास्टिक निकला। तो हम देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से भी गलतियां करते हैं। वैसे वन का संरक्षण की जरूरत है, कुछ हैंड्स रेज़ मैं प्रश्न को लूंगा इस पूरी बात रखने के बाद। तो हम पेड़ लगाएं, है ना, और पेड़ तभी काटें जो जब जरूरत हो। अभी देखिए अमेजन फॉरेस्ट में जंगल में आग लगा दी गई है क्योंकि उसके नीचे बहुत सारा खनिज है जिसको निकालना चाहते हैं। अब जंगल के तबाह होने से वर्ल्ड ओवर पूरे क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, जो वायु का बहाव का दिशा है वो बदल जाता है, हवा में जो मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड की वो बढ़ जाती है। ये पाया गया है कि एक मनुष्य को अपने पूरी शरीर यात्रा में 4 बड़े पेड़ों के बराबर लकड़ी की जरूरत है। और हम देखें तो हम अपने शरीर यात्रा में कितने पेड़ लगा सकते हैं, कम से कम 10 पेड़ तो लगा सकते हैं। अब ये सब कार्यक्रमों को शिक्षा में ले जाना है। इनफैक्ट अच्छी बात यह है कि NAC में, NBA में भी इस पर ध्यान दिलाया जा रहा है कि संस्थान की तरफ से कितने ऐसे काम किए गए, जल संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है, उसमें पॉइंट्स हैं, पेड़ कितने लगाए जाते हैं, लगाने के लिए क्या किया जा रहा है। बट वो जरूर होता है कि तरह आई वॉश की तरह चलता है कई बार, परंतु यदि इस पर ठीक से काम किया जाए तो शिक्षा तंत्र में बहुत सारा संभावना है अगर हम उसको ढंग से लें और उस पर हम काम करें। और ये भी दिखाई देता है कि अगर फैकल्टी निर्णय ले बच्चों के साथ सहयोग से करें, इसे बहुत फंड्स की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट को भी आपत्ति नहीं होती है। तो हम व्यक्तिगत रूप में भी सोच सकते हैं कि हम इन आयामों में क्या क्या कर सकते हैं कॉलेज की तरफ से। वैसे ही हम लकड़ी का सदुपयोग कैसे करें, है ना, सोशल फॉरेस्ट्री मतलब समाज में ही कैसे हम वन तैयार करें। तो अच्छी बात यह है कि कई शहर जो नए बन रहे हैं उसमें कम से कम पेड़ तो काफी दिखाई दे रहे हैं, सड़क के बीच में भी पेड़ हैं, जो अप एंड डाउन लेन्स हैं उसके बीच में पेड़ लगाए जा रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो इस पर कुछ जगहों पर तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है, NCR में जो नए नए लोकेलिटीज बन रहे हैं वहाँ पर तो ध्यान दिया जा रहा है, तो और उसको ध्यान देने की जरूरत है। और पेड़ जब लगा भी रहे तो बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखें, कई तरह के पेड़ लगाएं ना, क्योंकि एक तरह के पेड़ लगाने से क्या होता है, या तो बहुत ज़्यादा पानी सूख लेता है। फॉर एग्जाम्पल यूकेलिप्टस के पेड़ एक समय में खूब लगा दिए गए। यूकेलिप्टस जो है वो वहाँ पे तो ठीक है जहाँ पे डैम्स होते हैं,
बहुत ज्यादा पानी है या दलदल जैसी जमीन है, परंतु यदि आप उसको नॉर्मल सॉइल में लगा दें तो इतना ज्यादा पानी खींच लेता है कि नीचे पीने का पानी कम हो जाता है। वैसे ही फॉरेस्ट रिसोर्सेज को हम ज्यादा अगर ठीक से उपयोग करें, मतलब पेड़ लगाएं, लकड़ी प्रयोग करें बजाय ऐसा कि हम मिनरल यूज करें, तो हम क्ले का, वुड का, बैम्बू का, इनफैक्ट बैम्बू बहुत अच्छा संसाधन है, नॉर्थ ईस्ट में तो इसका खूब प्रयोग करते हैं, खूब लोग बांस उगाते हैं, बांस पे ही मकान बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं। इस तरह कल्चर को बढ़ाने की जरूरत है। मिट्टी के संरक्षण की बात करें तो हम यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब का प्रयोग कम कर सकते हैं। पंजाब में इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि जहाँ जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है वहाँ मिट्टी का टॉप लेयर डिप्लीट हो गया है, वो अब खेती योग्य नहीं है, तो अब दूसरे जगहों से मिट्टी लाकर डाला जा रहा है ताकि खेती की जा सके। वैसे नेचुरल मैन्योर यूज करें, फर्टिलाइजर यूज करें, पेस्ट कंट्रोल के जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं उसका हम प्रयोग करें, पेड़ों को कम से कम काटें जहाँ पे तीखी ढलान हो रही है, जैसे पहाड़ी एरिया है उसमें ढलान पर हम पेड़ काटते हैं तो पानी रुकेगा ही नहीं, मिट्टी भी कटेगी। अभी आप देखिए हर साल उत्तरांचल से न्यूज आता है कि लैंडस्लाइड हो गया या पहाड़ से मिट्टी कट के नीचे रोड पे आ गई और कई लोग हताहत हो गए, इस वर्ष भी ऐसी सूचना आई, तो वहां पे जरूरत है कि हम प्लांटेशन अधिक से अधिक करें। वैसे ही वायु संरक्षण के लिए बहुत सारा काम कर सकते हैं, तो जो एयर डिस्चार्ज हो रहा है फैक्ट्री के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा, उसको हम कम से कम करें। इनफैक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रयोग करना बहुत जरूरी है, ये बात कई बार आती भी है कि जैसे साइकिल का प्रयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें तो हम प्रकृति को दोहन को बचा सकते हैं। अभी देखिए हम सब लोग, जैसे मैं भी NCR में हूँ, पिछले 4-5 दिनों से सब लोग घरों में पैक्ड हैं क्योंकि बाहर की हवा टहलने लायक भी नहीं है, इतना ज़्यादा प्रदूषण हो चुका है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 450 तक पहुंच गया था, 453 काउंट में आया, जबकि 100 से नीचे होना बनता है। इसके कारण कई लोग परसों ICU में एडमिट हुए हैं, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। इसके रेमेडीज भी हैं, हम बेहतर पॉलिसी बना सकते हैं, फैक्ट्री के जो उत्पादन के तरीके हैं जहाँ पे हवा प्रदूषित होती है उसको कम कर सकते हैं। क्या होता है जब समस्या एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है तो लोग सजग होते हैं, फिर ध्यान देते हैं, बट हमारे जीने का पूरा ढंग ही ऐसा हो कि प्रकृति का दोहन न करे, बहुत ही अच्छा रहेगा। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों पे काम कर सकते हैं। वैसे ही पशु पक्षियों की बात करें तो उनका अपना जो नेचुरल हैबिटेट है उसको बना के रखने की जरूरत है ताकि नष्ट ना हो, उनके लिए हवा पानी की व्यवस्था करनी है, और पोचिंग या हंटिंग जैसी चीजों को तो बिल्कुल भी बंद कर दिया जाए। मनोरंजन के लिए हम पशुओं को मारते हैं, पक्षियों को मारते हैं, और उससे फिर हमारा नुकसान होता है। खैर, सरकार तो इसमें सजग हुई है हर जगह की और इस पर काफी रोक लगाई गई है, और तो अभी हमने काफी डैमेज कर लिया है। तो प्रॉब्लम्स जो है इससे जो निकल कर आते हैं तो देखें, ये सब हम लोग जानते हैं इनके बारे में कि हाँ ये बढ़ रही है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, और नदी या जो समुद्र के है ना किनारे की जगह है वो टोटली अनयूजबल हो गए हैं, वेदर मतलब नुकसानदेह हो गए हैं। समुद्र में भी इतना ज़्यादा हमने कचरा फैला दिया है कि आप देखें तो समुद्री तट पे कचरा दिखाई देता है। ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है ना, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या दिखाई दे रही है, कई सारी प्रजातियाँ तो लगता है लुप्त प्राय ही हो गई, लुप्त ही हो गई हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की, बहुत सारी तो प्रजातियां मिलती ही नहीं है। अभी बहुत सारे खाने की योग्य वस्तुएं भी नहीं मिलती, जैसे बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 12,000 प्रकार के धान थे पहले और अभी 100 प्रकार के धान ही दिखाई देते हैं, तो उनका भी संरक्षण करने की जरूरत है। संसाधनों का तो डिप्लीशन हो ही रहा है, अभी कोयला की कमी के कारण हो सकता है कभी भी बिजली न मिले हमें, इसकी संभावना कई बार लगती है, न्यूज आता है फिर वो इसी रूप में उसका समाधान निकाला जाता है, बट हमारा जो इतना ज्यादा डिपेंडेंस हो गया है, खासतौर पे देखें तो अभी हमारे पूरे बिल्डिंग का डिजाइन, ऑफिसेज का डिजाइन ऐसा हो गया कि पूरा शीश महल हमने बना दिया है, उसके अंदर हमको 2400 घंटे एसी चाहिए और उतने एसी के लिए उतना सारा पावर चाहिए, उसके लिए उतना सारा हमको कोल या दूसरे संसाधनों का प्रयोग करना पड़ता है। स्वास्थ्य पे जो प्रभाव पड़ रहा है तो है ही, अभी ऐसे मैसेज आते हैं कि पहाड़ों में रहने वाले व्यक्ति का हार्ट कैसा होता है, लंग्स कैसा होता है, दिल्ली में रहने वाले व्यक्ति का लंग कैसा होता है, तो ऐसा बहुत सारा न्यूज भी आता है। और ये भी हो सकता है कि जो GDP का हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें भी ये जो हम निगेटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसको भी काउंट करें, सिर्फ हम उत्पादन को ना देखें बल्कि हम जो दोहन शोषण कर रहे हैं उसको भी हम देखें। तो समाज या परिवार के स्तर पे क्या कर सकते हैं, तो सदुपयोग तो करने की जरूरत है ही,
संरक्षण भी जहां तक हम कर सके करें और अपने जीने के शैली में तरीके में प्रयोग परिवर्तन लाना है। ऐसे कुछ साथी जिन्होंने शेयर भी किया है, कुछ साइकिल पे ऑफिस जाते हैं, है ना, अगर आपका ऑफिस पास में है तो आप साइकिल पे जा सकते हैं, मार्केट साइकिल पे जा सकते हैं, घर में हम श्रम की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, ताकि मशीनों के प्रयोग की जरूरत कम पड़े। वर्क प्लेस पे हम देखें कैसे अधिक हम बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं, लाइट फैन हम कैसे ऑफ रख सकते हैं ताकि बिजली बचे, संसाधनों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। एक ऐसी मानसिकता हो जाए कि हो जाती है कि जो चीज़ सरकार ने दी है उसके सदुपयोग के प्रति हम सजग नहीं रहते हैं, वो मानसिकता भी अपने को बदलने की जरूरत है। नीति के स्तर पे देखें तो हवा कैसे शुद्ध हो, पानी कैसे, उसकी आपूर्ति ठीक से हो, इन सबको कैसे सुनिश्चित किया जाए, नीतियाँ बनाने की जरूरत है। ये नीतियाँ परिवार के स्तर पर भी बनेंगी, संस्थाओं के स्तर पर भी बनेंगी, सरकारों के स्तर पर भी बनेंगी, हर जगह बनने की जरूरत है। पशु पक्षियों का कैसे पोषण ठीक से हो, संरक्षण ठीक से हो, इसे ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस बनाया जाए ताकि जब इंडस्ट्री को कोई अप्रूवल मिल रहा है इसका ध्यान रखा जाए। वैसे ही नेचर के प्रिजर्वेशन को हम प्रायोरिटी देके चलें, है ना। अभी हम सिंपली देखते हैं हमारा कॉस्ट कैसे कम हो रहा है। कई बार कोर्ट के निर्णय से भी ऐसा किया गया, जैसे एक समय यहाँ पे प्रदूषण बहुत बढ़ गया था तो निर्णय लिया गया कि इतनी दूरी में कोई नई फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं होगी, ऐसे निर्णय भी लिया गया, एनसीआर की लिया गया था। दूसरा, जो रिसोर्सेज हैं उसको हम क्षरण करते जा रहे हैं, उसको हम देखें कैसे रोक सकते हैं। कई जगहों पर सरकारों ने निर्णय लिए हैं कि उन्होंने तय किया कि हम जंगल नहीं काटेंगे, भले ही जंगल के नीचे बहुत सारा बॉक्साइट का ओर है, आयरन का ओर है, बट नहीं काटेंगे जंगल, ऐसे निर्णय भी लिए गए, तो शुभ सूचना है, अच्छी बात है। देखिए अगर हमको सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट हो जाए ठीक से ना, तो देखिए कि इतना सारा जो हम कंज्यूम करें उसकी जरूरत ही नहीं है, है ना। हुआ ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, इंडल्जेंस के लिए हमने बहुत ज़्यादा दोहन कर लिया है, तो सही समझ के साथ चलने की जरूरत है। तो पूरी बात को समाप्त करें तो सुरक्षा का मतलब है सदुपयोग, संरक्षण और संवर्धन, और इसमें देखें तो सदुपयोग पहली वरीयता है, और इसका जो प्रयोजन है वो ये है कि शेष प्रकृति के साथ हमारा परस्पर पूर्वता के साथ जीना हो पाए। उसी क्रम में देखें तो हमें फॉरेस्ट को, यानी जंगल को, पानी को, मिट्टी को, इन सब के, हवा को संरक्षण करने की जरूरत है, अदरवाइज ये सारी समस्याएं उभरेंगी और बढ़ेंगी, है ना। इस पर शंका कई बार जताई जाती है कि धरती अब जीने योग्य बचेगी कि नहीं, तो में जरूरत है कि हम प्रोएक्टिवली इसको समझ लें, इसको पूरा कर लें। जी बहुत अच्छा, तो समय थोड़ा सीमित था अपने पास। जी जो हैंड्स रेज हैं तो कुछ प्रश्न लेते हैं। जी विनय जी, अगर समय होगा तो और प्रश्न लेंगे, नहीं तो फिर। जी नमस्ते भैया। जी नमस्ते। जो भी बातें कही गई ये तो समझ में आ रही है। जैसे मुझे याद पड़ता है कि हमारे स्कूल में जब हम लोग मिडिल स्कूल में थे तब से टीचर हमको बताते थे एक कि अगर आज से पानी का सदुपयोग नहीं किया तो एक समय ऐसा आएगा जब पानी बेचना शुरू करेंगे लोग, तो तब तो हमें हंसी आती थी कि पानी कौन बेचेगा और कौन खरीदेगा, और आज की स्थिति यह है कि ये सच्चाई हो चुकी है। तो अब मुझे ये भी लगता है कि क्या सचमुच हम लोग इसको कर पाएंगे, जो हम ये इसमें सोच रहे हैं क्या इसको कर पाएंगे उस लेवल पर, ताकि पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो और विश्व के स्तर पर, मतलब एक बड़े पैमाने पर इसका उपयोग कर सके, हम इसको रोक सके। देखिए इसमें जब ये ऐसी बात होती है इसमें दो पक्ष होते हैं, एक तो आवश्यकता है कि नहीं, आवश्यकता तो स्पष्ट है, हम कितना कर पाएंगे तो हम व्यक्ति के स्तर पे शुरू करें तो हम व्यक्तिगत स्तर पे तो कर ही पाएंगे। जो अभी हम मटेरियल का कंजम्पशन कर रहे हैं उसको कम कर सकते हैं, जो एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं उसको कम कर सकते हैं, है ना। ये तो बिल्कुल अपने जीने में हम सबके दिखाई भी दे रहा है कि पहले से बहुत कम हो गया है, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। परिवार के सदस्य अगर समझ लें तो परिवार में भी कम हो जाता है ना। इसको हम शिक्षा में ले जाते हैं तो धीरे धीरे समाज में भी कम होने लगता है, और बहुत सारी चीज़ों में तो कमी आई भी है। जैसे अभी कम से कम इतना सारा जो प्रचार प्रसार हुआ है तो सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग काफ़ी कम हो गया है, कई लोग हैं जो थैला लेकर मार्केट जाते हैं। हम देख लें कि हम ये सब कर पा रहे हैं, कम से कम व्यक्ति के स्तर पर तो हम सुनिश्चित कर ही सकते हैं। अगर हमको लगता है कि भाई मेरे गाड़ी का प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, भले ही उसको चलाने से हमारा खर्चा बढ़ता है, तो अगर हम प्रकृति के प्रति थोड़ा सजग हो जाए तो नहीं चलाएंगे उस गाड़ी को, हटा देंगे या कुछ करेंगे, उसका मरम्मत कराएंगे, कम से कम प्रकृति का दोहन ना हो।
तो हम व्यक्ति के स्तर पे, परिवार के स्तर पे बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी जिस तरह से कार्यक्रम आगे जा रहा है और दूसरी तरफ से भी जो समर्थन मिल रहा है, तो नीति के स्तर पर बहुत सारा काम किया जा सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। जी भैया, थोड़ा बता दीजिएगा समय कितना है, उसी हिसाब से मैं प्रश्न लूंगा। भैया अभी करीब 5 मिनट और ले सकते हैं। जी बढ़िया भैया, तो कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। उषा व्यास जी। जी भैया, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे यहाँ दमोह बुंदेलखंड में पानी की बहुत कमी रहती है गर्मियों में। जब हम लोगों ने घर बनवाया था तो हम लोगों का जो किया था नल, तो उसके बाजू में हम दोनों, मतलब दोनों तरफ सोखता पिट बनवा लिया था, और जो छत का पानी आता है पाइप डाल के सीधा वो नीचे जाता है जमीन में। और मैं देखती हूँ कि जब भी गर्मी आती है तो पड़ोसियों के आजू बाजू जो है उनका पानी 2 महीने पहले कम हो जाता है, और हमारा उस बारिश का पानी चूंकि नीचे जाने, जमीन में जाने के कारण एवरेज बना रहता है। तो ये मैं शेयर करना चाह रही थी। जी इनफैक्ट सारे संस्थानों में, चूंकि जमीन भी है, बहुत अच्छा होगा अगर वो पॉइंट्स बनाए, बंड्स बनाए ना, इस पे तो नैक के भी पॉइंट्स हैं कि तालाब है कि नहीं, वाटर के लिए बंड्स बनाए गए हैं कि नहीं, ऐसे सोकिंग पिट बनाए गए हैं कि नहीं, आरओ का जो पानी है वो निकल कर वेस्ट हो जाता है या उसको सदुपयोग करते हैं, पौधों में डालते हैं या नहीं। जी अश्विन पाठक जी, उसके बाद बीके शर्मा जी। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। हाल ही में भी 2 महीना पहले नोएडा में सुपरटेक पावर जो ट्विन टावर्स थे उसे गिराया दिया गया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक सबक सिखाने के तौर पे ऐसे ऑर्डर्स दिए गए, जिसे बनाने में करोड़ों की लागत लगी, उसे गिराने में 18 करोड़, बाहर से रिसोर्स लाए जिसमें लोगों को दिक्कतें हुई, इसके ऊपर आप क्या साझा करेंगे भैया, बताए थोड़ा। नहीं आखिरी हिस्सा आवाज कट गई मेरे लिए। जी मैं ये कह रहा, अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है। हाँ जी, मैं ये कह रहा था जो नोएडा में सुपर पावर सुपर टेक जो थे ट्विन टावर्स, उसे गिरा दिया गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे गिराने के आदेश दिए ताकि लोगों को एक तरह से सबक मिले कि किसी तरह का करप्शन ना हो। तो जहां तक कि उसे बनाने में जितना खर्च आया, प्रगति का दोहन हुआ और उसे बनाने में, लेकिन गिराने के लिए भी कई डिटोनेटर्स का इस्तेमाल हुआ, लगभग 18 करोड़ पैसे खर्च हुए, एक्सपर्ट उसमें लगे, लोगों को दिक्कतें हुई। मैं ये आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये कहाँ तक के, इसके ऊपर आप क्या साझा करेंगे, क्या विचार अभी रखेंगे? देखिए अभी अपने को पूरे लिविंग मॉडल पे ही काम करना पड़ेगा कि शहरों की ओर इतना ज्यादा क्यों पलायन हो रहा है, इतना ज्यादा हमें मकानों की जरूरत पड़ रही है। तो एक तरफ बिल्डर गलत ढंग से मकान तो बना रहे हैं ना, परंतु वो बना भी इसलिए रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन धीरे धीरे इधर माइग्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका भी हमें समाधान देखना होगा। तो सही ढंग से मकान बने ये आवश्यक है, और हम ये भी देखें कि कैसे प्रकृति के साथ जुड़कर हमारा जीना हो, अगर वैसे मॉडल्स हम इवॉल्व कर पाए इसकी आवश्यकता ही नहीं बनेगी, है ना। अभी तो बहुत सारे मकान ऐसे मापदंडों के आधार पर नहीं बने हैं, इनफैक्ट 2 टावर के बीच में जितनी दूरी होनी चाहिए कई कॉलोनीज में नहीं है, और वैसे टावर्स बने हुए। तो अभी ऐसा लग रहा है कि जमीन कम है और लोग रहने वाले ज्यादा हैं, इससे अधिक से अधिक ऊंचे टावर बन रहे हैं और गलत ढंग से बन रहे हैं। परंतु यदि हम एक होलिस्टिक लिविंग मॉडल को इवॉल्व कर पाए, ताकि जो दूर दराज के एरियाज हैं वहाँ पे भी मनुष्य का सुखपूर्वक समृद्धिपूर्वक जीना हो पाए, न्यायपूर्वक जीना हो पाए, कि पलायन रुकेगा। शहरों की पलायन इसका एक मेजर कारण है, और उसको रोकने के लिए हमको शिक्षा पे ठीक से काम करना होगा, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, तभी चीज रुक पाएगा।